मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बावजूद इसके लोग कोविड नियमों को ताक पर रखकर वैवाहिक आयोजनों में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने में लगे हैं। ताजा मामला इंदौर के राऊ का है, जहां मंगलवार रात को बिना अनुमति शादी और रिसेप्शन के दो मामले सामने आए। दोनों ही मामलों में पुलिस मेहमान बनकर पहुंची थी और 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। पहले मामले में कोरोना महामारी में परमिशन के बिना ही एक भाई अपने छोटे भाई की शादी का जश्न मना रहा था। उसने दोस्तों और परिचितों को भी आमंत्रित किया था। पुलिस जब शादी के पंडाल में मेहमान बनकर पहुंची तो यहां लोग लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे। पुलिस को देख अफरा तफरी का माहौल बन गया, कई लोग पीछे के दरवाजे से भाग निकले। इसके बाद पुलिस को जो मिला उसे फटकार लगाई गई। राव पुलिस के अनुसार पहले मामले में नरेंद्र गोयल निवासी ब्रज विहार कॉलोनी और परम सिंह परमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नरेंद्र बिना अनुमति के भाई की शादी की पार्टी दे रहा था। उसने काफी लोगों की भीड़ भी जुटा रखी थी। ये एक वीडियो शादी का वायरल हुआ था और जिस प्रकार से एक कार्ड और सब देख के बताया गया था उसके गार्डन का, उस गार्डन की लोकेशन राजेंद्र नगर में है। तो राजेंद्र नगर के थाना प्रभारी ने तत्काल उसको वीडियो को देखते हुए वहाँ पे फोर्स भेजा, वहाँ पता किया। तो जो संचालक और उसके जो उस गार्डन के जो मालिक हैं उनका ऐसा कहना है कि पहले शादी तय हुई थी, कार्ड छपा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उन्होंने निरस्त कर दी थी। और अभी उनका कहना है कि उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं, DVR है, जिसमें उनका कहना है कि देख लिया जाए ये शादी नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल जो वीडियो दिख रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसकी जांच करें कि ये शादी कहाँ हुई है, किस प्लेस में हुई है, और जहाँ भी हुई है जिन लोगों ने दोष इसमें किया है उन सब पे विरुद्ध कार्रवाई हो। वहीं दूसरे मामले में मां ने बेटे की शादी में बिना अनुमति ही भीड़ जुटा ली थी। मामले में 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में दूल्हे अर्जुन की मां आशा बाई, जीजा राजेश और 18 साल के भांजे आयुष के खिलाफ कर्फ्यू उल्लंघन के तहत कार्रवाई की है। पुलिस की माने तो आशा बाई अपने बेटे अर्जुन की शादी कर रही थी। शादी को लेकर उन्होंने घर पर तामझाम कर रखा था। वहीं कोरोना संक्रमण फैलने के बावजूद यहां भीड़ जुटा रखी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ताल कार्रवाई की। बता दें कि कुछ दिन पहले इसी तरह का वैवाहिक आयोजन राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में भी हुआ था, जिसकी शिकायत के बाद DVR की मदद से जांच की जा रही है और जांच के बाद संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। एडिशनल SP प्रशांत चौबे ने बताया कि ऐसे आयोजन पर पुलिस की नज़र है और इस मामले में पुलिस तथ्यों की जांच कर कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस की ताज़ा कार्रवाइयों के बाद हम तो आपसे एक ही गुजारिश करेंगे कि आप शादी ब्याह के आयोजन जरूर करें, लेकिन मेहमानों की संख्या सीमित कर रखें और साथ ही कोविड के सभी नियमों का पालन करें। कल 27 तारीख थी, शाम के टाइम जब ये मालूम पड़ा कि बेरोजगार कॉलोनी में शादी का समारोह हो रहा है, तो मैं बल्कि जो है वो पहुँचा तो पुलिस को देख के वहाँ जो मौजूद लोग थे, जो लोग मौजूद थे वो लोग एकदम भाग गए और मौके पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया।